बच्चों कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं FY BCom का मैथमेटिक्स एंड स्टार्टिंग, जो कि सैम वन का ये सिलेबस है। और रिसेंटली बच्चों के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स एंड स्टार्टिंग जो चैप्टर सिलेबस है आपका, इस पर मैंने देखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे इसमें 80-80 लेके घूमते रहते हैं। और ये फाइंड आउट करते हैं क्लासेस को जहाँ पे वो अपने मैथ्स को समझ सके और उसके बेस पे वो अपने मैथ्स एंड स्टैट में एटलीस्ट वो पास हो जाए, इस तरीके की वो कोशिश करते हैं, राइट। तो लेकिन मैं आपको इस वीडियो में और इस लेक्चर में, जो भी बच्चे देख रहे हैं अगर उनको ये पूरा लेक्चर समझ में आता है तो वो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी सपोर्ट मिले और मुझे भी सपोर्ट मिले, राइट। तो यहाँ पे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ वो है आपका चैप्टर नंबर 8, डिसीजन थियोरी। ठीक है, डिसीजन थियोरी बोलो या थ्योरी बोलो तो एक ही कॉन्सेप्ट हो जाता है। यहाँ पे जो सबसे इजी जो आपके सिलेबस में बनने वाले पेपर्स होते हैं, ठीक है, सेमेस्टर वन के, तो यहाँ पे जो बच्चे क्या कहते हैं ना, बेसिकली इसमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है कि किस तरीके से सॉल्व किया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे जो 12th में हैं वो SP के होते हैं तो उनको इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर 12th में उन्होंने मैथ्स भी लिया हुआ है तो भी उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझता, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है वो 12th में भी नहीं है और SP में भी तो नहीं है। ऑब्वियसली जब मैथ्स में नहीं है तो SP में भी नहीं है, 12th में तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ना 10th में ना 11th में है ही नहीं ये चैप्टर्स। तो एक नया कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर FY BCom में सैम वन के मैथमेटिक्स में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे जो चैप्टर है वो है डिसीजन थियरी। डिसीजन थियरी क्या होता है बेसिकली ये समझ लेते हैं, देन इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, क्या टेक्निक्स होती है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन मैं आपको ये समझा दूँ कि डिसीजंस होता क्या है, किस बेसिस पे क्या करना है, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है वो पहले समझ लेते हैं। डिसीजन थियरी यहाँ पे आपको इसलिए दिया गया ताकि आप जब कोई भी किसी भी सिचुएशंस में रह के, आप क्या कहते हैं, जब डिसीजन लेते हो तो दैट टाइम आप बन जाते हो डिसीजन मेकर्स, ठीक है। और आप उस किसी भी सिचुएशंस को हैंडल करना, उसको सॉल्व करना, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, एंड उसकी बेस पे आप डिसीजंस लेते हो, यानी कि आपका जो सिचुएशंस है वो आपको मजबूर करता है कि डिसीजन लेने के लिए, कोई भी सिचुएशंस हो, एक नॉर्मल सिचुएशन हो तो भी आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आप किस तरीके से अपने एक्शंस को प्रॉपर तरीके से कम्प्लीसमेंट कर सकते हो। जैसे कि अभी एग्ज़ाम आ रहा है तो आपके सामने सिचुएशंस आ गया है कि आपको इस एग्ज़ाम्स को प्रॉपर तरीके से और अच्छे मार्क्स से क्रैक करना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे अपना डिसीजन लोगे, मुझे आज इतना चैप्टर्स पढ़ना है, ठीक है, आज मुझे इतने कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने हैं, ठीक है, आज मुझे ये सिलेबस ख़त्म करने हैं, आज मुझे ये अकाउंट्स और मैथ्स के सिलेबस ख़त्म करने हैं, आज मुझे थ्योरी के सब्जेक्ट ख़त्म करने हैं। तो ऐसे दुनिया भर के आप डिसीजंस लेते रहते हो और कोशिश करते हो कि जो आपका आउटपुट हो, यानी कि जो रिजल्ट्स हो, वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हो, यानी कि आपके अच्छे खासे मार्क्स है जिसके बेस पर आपके जो एक्सटर्नल, ठीक है, पार्टी से, यानी कि जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए या फ्रेंड्स हो गए या टीचर्स हो गए, ठीक है, ये आपसे खुश हो जाए, ठीक है, ताकि आपके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे, इसीलिए, तो इसीलिए आप क्या कहते हो, दुनिया भर के डिसीजंस लेते रहते हो। तो जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो हम बन जाते हैं डिसीजंस मेकर। जैसे कि मैंने डिसीजन लिया कि चलो क्यों ना हम डिसीजन थियरी यानी कि चैप्टर नंबर 8 FY BCom सेमेस्टर 1 के मैथमेटिक पे वीडियो बनाया जाए, लेक्चर बनाया जाए, ताकि बच्चों के जितने भी डाउट है सब क्लियर किया जा सके, राइट। तो ये मैं अब यहाँ पे पहले तो मैं डिसीजन लिया, तो पहले मैं क्या बन गया, यहाँ पे डिसीजन मेकर बन गया, एंड देन अब मैं जो लेक्चर्स ले रहा हूँ इस पर मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं कोर्स ऑफ एक्शन बोलूँगा, क्या बोलूँगा मैं, कोर्स ऑफ एक्शन। तो पहले तो मैंने आपको समझा दिया कि डिसीजन मेकर कौन होता है, राइट, वो किस तरीके से डिसीजन लेता है, क्योंकि जब सिचुएशंस ऐसी आ जाती है तो उसको दुनिया भर के डिसीजन लेने पड़ते हैं और उसमें से बेटर जो डिसीजंस होते हैं उसको अप्लाइड करना पड़ता है। जब वो अप्लाइड करता है तो उसको एक्शन भी लेना पड़ता है, यानी कि सही राइट वे में उसको एक्शन लेना पड़ता है, तब जाके क्या होता है, उस डिसीजन का कोई ना कोई आउटपुट आता है, और वो आउटपुट क्या होता है कि उस डिसीजन मेकर के लिए बेनिफिट साबित होता है। तो यानी कि स्टेट ऑफ नेचर्स, यानी कि स्टेट ऑफ नेचर्स को हम बोलेंगे सिचुएशंस क्या है, स्टेट ऑफ नेचर मतलब सिचुएशंस होता है, राइट, याद रखिए स्टेट ऑफ नेचर्स। यहाँ पे एक पर्सन के सामने डिफरेंट टाइप्स से सिचुएशंस बन सकते हैं, स्टेट ऑफ नेचर बन सकते हैं। कोई बच्चा एक महीना पहले से पढ़ाई करना चालू करता है, कोई बच्चा बोलता है 7 दिन पहले से हम पढ़ाई करेंगे, हम पास हो जाएंगे, ठीक है, इतना मुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस है, और कोई बच्चा ऐसा होता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ाई करना चालू कर देता है। करना क्या है, अपने को बस तैयारी करनी है, पास हो जाएंगे, यहाँ वहाँ कॉपी करेंगे, मस्त में अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, वो स्टेट ऑफ नेचर है। आप उस नेचर को किस तरीके से ले रहे हो, किस तरीके से समझ रहे हो, और उसके बेसिस पे आप कैसे किस टाइप के डिसीजंस ले रहे हो, तो उसको बोलेंगे हम स्टेट ऑफ नेचर। सिचुएशन है आपके सामने, कोर्स ऑफ एक्शन है आपके सामने, और आप खुद डिसीजन मेकर हो, राइट।
देन यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से होता है। कंपनी भी क्या करती है कि डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करती है, समझती है, देन उसके बेस पे पहले तो कंडीशन या सिचुएशन देखती है, स्टेट ऑफ नेचर्स, फिर उसको समझने के बाद उस पर फिर डिसीजंस लेती है। डिसीजन लेने का मतलब होता है कंपनी बन जाती है डिसीजन मेकर, एंड देन फिर उस पर एक्शन किया जाता है, उसको बोलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। इसके बाद आएगा आपका पे ऑफ। पे ऑफ क्या होता है, जब हम कोर्स ऑफ एक्शन एंड स्टेट ऑफ नेचर्स को कंबाइंड कर देते हैं, राइट, सिचुएशन और डिसीजन, सिचुएशंस और एक्शन, ठीक है, सिचुएशन और एक्शन को हम जब कंबाइंड करके डिसीजन लेते हैं तो उसको बोलते हैं पे ऑफ। तो हम यहाँ पे मैथमेटिकल बेस पे समझेंगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज के बेसिस पे समझेंगे, तो एक्शन और स्टेट ऑफ नेचर को हमने मिक्स कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, पे ऑफ, ठीक है। और सेम इसी तरीके से कंबाइंड कर दिया हुआ है तो हमें मिल जाएगा पे ऑफ टेबल। अब ये जो पे ऑफ टेबल है ये मुझे क्या शो दैट करेगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट शो करेगा, ठीक है, या तो लॉस भी शो कर सकता है, नहीं तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट ही क्यों, लॉस क्यों नहीं, यस प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, राइट। तो पे ऑफ टेबल कब बनेगा, जब मैंने डिसीजन लिया, मुझे मालूम है कि ये करना है तो उसके लिए मैंने एक्शन ले लिया, ठीक है, जब मुझे मालूम है ये करना है तो उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक्शन ले लिया, और ये एक्शन जो है वो या तो मुझे प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगा या तो मुझे लॉस की तरफ लेके जाएगा। तो जो मेरे पास जो टेबल बना भी, ठीक है, उसको मैं बोलूँगा पे ऑफ टेबल। ये पे ऑफ टेबल कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, ये सब हम मैथमेटिकल लैंग्वेज के बेसिस पे समझेंगे, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा थियोरेटिकल पार्ट में नहीं लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट है जो आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कभी मैथ्स है ना, तो मैथ्स में आपका MCQ भी आ जाता है या तो आंसर भी आ जाता है, ठीक है, आंसर राइट द आंसर भी आते हैं इसमें, इसीलिए मैं ये आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन मोस्ट ऑफ द आपको क्या करना है कि पेपर्स के अंदर सिर्फ आपको प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो आते हैं वो ऑप्शन में आते हैं, मतलब 5 क्वेश्चंस होते हैं, एनी 4 करना होता है, 4 मार्क्स के लिए होता है, तो इसीलिए मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ। अगर आपको मन किया थ्योरी लिखने का तो आप लिख सकते हो, राइट। और ये आइडियल और रेगुलर यानी कि कॉलेज जाने वाले जो बच्चे होते हैं ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, राइट। तो ये दोनों के बेस पे बता रहा हूँ, आइडियल भी और रेगुलर भी, तो दोनों बच्चे देख ये पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल सके मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के अंदर। चलिए, तो ये तो हो गया डिसीजन थियरी, मैंने आपको समझा दिया 5 पॉइंट के बेसिस पे, यहाँ पे डिसीजन मेकर कोर्स ऑफ एक्शन स्टेट ऑफ नेचर पे ऑफ एंड पे ऑफ टेबल के बेसिस पे। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया, ठीक है, जो डिसीजन मेकर होते हैं वो किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, यानी कि आपके सामने की कितने टाइप के सिचुएशंस बन सकते हैं और आप कितने टाइप के सिचुएशंस के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हो। तो टोटल यहाँ पे 4 टाइप्स दिया हुआ है। फर्स्ट वन जो है वो है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या होगा कि नॉर्मल सिचुएशंस है, नॉर्मल पीरियड है, ठीक है, यहाँ पे मैं डिसीजन ले रहा हूँ अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, तो उसको मैं बोलूँगा अंडर सर्टेनिटी डिसीजन मेकिंग, ठीक है, अंडर सर्टेनिटी डिसीजन मेकिंग, यानी कि नॉर्मल सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल है मेरे लिए, ठीक है, कंपनी के लिए और बिजनेसमैन के लिए, तो उसके बेसिस पे मैं आराम से डिसीजन लूँगा, ठीक है, जो भी डिसीजन लूँगा उस पर इम्प्लीमेंट भी करूँगा, लेकिन उसमें कोई भी मुझे खतरा या ऐसा कोई पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसके बेस पे मुझे लॉस हो सकता है, राइट। सेकेंड आता है आपका अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी मतलब कि अब मुझे यहाँ पे खतरे की घंटी समझ में आ रही है, ठीक है, यहाँ पे अलार्म बज रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कंपनी लॉस पे जाने वाली है, तो दैट टाइम जैसे कि आपको मालूम है कि एक महीना रह गया है और मुझे अब तैयारी करनी चाहिए अपने एग्ज़ाम्स की, एक महीने के बाद फिर मेरा एग्ज़ाम चालू होगा तो शायद मैं फेल भी हो जाऊँगा, क्यों, क्योंकि मैंने अब तक कोई भी प्रिपरेशंस नहीं की है, ठीक है, तो शायद मैं फेल भी हो सकता हूँ, यहाँ पे सिर्फ खतरे की घंटी बज रही है लेकिन पूरा खतरा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक महीना है, अनसर्टेनिटी सिचुएशंस है, उसको मैं संभाल सकता हूँ, ठीक है, संभाल सकता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने प्रिपरेशन से स्टार्ट कर दूँगा, दैट इज़ मैं अनसर्टेनिटी, यहाँ पे एक महीना अपने ये समझ के चला कि एक महीने में मैं कवर कर लूँगा, क्या एक महीने में सिलेबस कवर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है, अगर आप सही तरीके से मेहनत करो तो होने को तो हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल सिचुएशंस में ठीक है हम टाइम टेबल बनाते हैं, हम शेड्यूल बनाते हैं, हम ठीक है फ़ोन के वॉलपेपर पे रखते हैं, दीवार पे चिपकाते हैं, जहाँ दिखाई देता है वहीं पे हम जो टाइम टेबल होता है, शेड्यूल होता है, उसको स्टिक कर देते हैं और सोचते हैं कि यस हो जाएगा, अब हो जाएगा अपना पेपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन, लेट उठना, ठीक है, कम पढ़ाई करना, दोस्तों के साथ ठीक है फ़ोन पे लगे रहना, एक पॉपअप आया तो दूसरा पॉपअप देखने के लिए चले जाना, व्हाट्सअप पे, इंस्टा पे, सब जगह, तो इससे क्या होता है कि नॉर्मल सिचुएशंस में ये पॉसिबल नहीं है, तो वो पूरा सिचुएशन मेरे लिए अनसर्टेनिटी हो जाता है।
राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे अंडर रिक्स, ठीक है। अब रिक्स पे आके दो वीक बचा है, ठीक है, दो वीक बचा है, अब मुझे रिक्स लेना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रिक्स लेके चलते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्स लेके चलते हैं, कोई बात नहीं, एक महीना है, बहुत टाइम है अपने पास, हो जाएगा आराम से। फिर दो वीक बचते हैं, ठीक है, दो वीक है, हो जाएगा आराम से, अगले दिन करेंगे फिर, या तो फिर एक दिन पहले हम पढ़ाई करके मार्क्स निकालेंगे, अच्छा खासा मार्क्स निकालेंगे, लेकिन एक दिन पहले पढ़ाई करेंगे, हम रिक्स लेंगे, हम एंटरप्रेन्योर है, हम रिक्स लेंगे। लेकिन यहाँ पे रिक्स ये किसी के फेवर में भी हो सकता है और किसी के अनफेवर में भी हो सकता है। मार्केट देखे और मार्केट का सिचुएशन देखे तो हर एक बिजनेसमैन के लिए, हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए रिक्स होता ही होता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट चले या ना चले, उसकी कमोडिटी सेल हो या ना हो, तो ये सब पूरा रिक्स होता है, ठीक है। अगर सेल भी हो रहा है तो भी रिक्स है, नहीं हो रहा तो भी रिक्स है। सेल हो रहा है तो लार्ज क्वांटिटी में सेल होना चाहिए, तो जाके रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में अगर सेल हो रहा है तो ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं है तो भी रिक्स है, क्योंकि उसके साथ साथ कंपनी के साथ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन भी है और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है। स्टेक होल्डर्स को उनको सैलरी देना, पेमेंट करना, दुनिया भर का खर्चे हो जाते हैं, एक्सपेंसेस हो जाते हैं, एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं, तो वो सब कवर करना और कम सेल में, तो ये कंपनी के लिए रिक्स होता है कि कंपनी ग्रोथ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, राइट। सेल भी हुआ तो भी रिक्स है, नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा रिक्स हो जाता है, राइट ना। और नेक्स्ट थिंग है अंडर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अंडर कॉन्फ्लिक्ट ये आपके सिलेबस में नहीं है, इंक्लूड ही नहीं किया गया, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट लिख दिया गया कि इस तरीके से हम डिसीजंस को ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको इसमें जो फोर टाइप दिया हुआ है, इसके अंदर सर्टनिटी और अंडर कॉन्फ्लिक्ट, ये जो पार्ट है ये नहीं करना है आपको, ठीक है। मैथमेटिक के अंदर ये दोनों कॉन्सेप्ट नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको तो आपको सिलेबस से निकाल ही दिया गया, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट लिख के आपको सिर्फ बताया हुआ है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया गया आपके टेस्ट बुक में, तो आप इसको नहीं समझोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ मैथमेटिकल जितने भी प्रैक्टिकल है वो समझना है, क्योंकि आप एंड ऑफ द डे बोलोगे सर हमें सिर्फ फॉर्मूला से मतलब है और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए बस उससे मतलब है, आपका इतना सारा ज्ञान हमें नहीं चाहिए, राइट ना। तो यहाँ पे जो सेकंड है वो है आपका अंडर अनसर्टनिटी, ये आपको करना है, और अंडर रिक्स ये आपको करना है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अंडर सर्टनिटी, अनसर्टनिटी कॉन्सेप्ट है। अंडर अनसर्टनिटी में भी आपको फाइव टाइप के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैक्सी मीन है, फिर मैक्सी मैक्स है, लाप्लास है, मिनी मीन है और मिनी मैक्स रिग्रेट है इसके अंदर। तो ये टोटल फाइव टाइप दिए गए, ये फाइव टाइप के बेस पे आपको डिसीजन थियरी करना है, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सिलेबस है आपका डिसीजन थियरी वाला, इसके अंदर तीन पार्ट दिए गए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट है आपका अंडर अनसर्टनिटी, और जो सेकंड है वो अंडर रिक्स है, और जो तीसरा है वो आपका डिसीजन ट्री है, ठीक है। तो वो तीन ऐसे कॉन्सेप्ट है, तीन एक्सरसाइज है, ये तीन एक्सरसाइज ही आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, और हर एक एक्सरसाइज में से एक एक क्वेश्चन आपके आते हैं, जो कि चार पाँच मार्क्स के तो क्वेश्चन बनते ही है सब में, क्योंकि पाँच मार्क्स के ही क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आते हैं, सेमेस्टर वन में, सेमेस्टर टू में, अगर थ्री या फोर भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब सम आते हैं तो हम आराम से सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अंडर अनसर्टेनिटी के अंदर फाइव टाइप है, तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको किस तरीके से इसको समझना है और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये अगर आपको समझ गया तो इस पर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, यानी कि जो आपका पूरा एक्सरसाइज है, वो ये पांचों एलिमेंट के ऊपर डिपेंडेड है, ठीक है, जो पहला एक्सरसाइज है। तो उसको आज हम फिनिश कर देंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज को भी। मैक्सी मीन का मतलब क्या होता है कि जब आपको पे ऑफ टेबल दिया होगा, ठीक है, एक पे ऑफ टेबल होगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था पे ऑफ टेबल होता है, उसके अंदर आपको पहला क्या करना है, मैक्सी मीन दिया हुआ है तो पहले आपको मिनिमम निकालना है, ठीक है। पे ऑफ टेबल में से क्या करना है, आपको पहले इसमें से मिनिमम निकालना है, मिनिमम निकल गया फिर मिनिमम से आपको फिर मैक्सिमम निकालना है, याद रखिए पहला क्या करना है, आपको मिनिमम निकालना है फिर मैक्सिमम निकालना है, तो उसको हम बोलेंगे मैक्सी मीन क्राइटेरिया। जो सेकंड दिया हुआ है पहले वो फाइंड आउट करो, देन उसके बाद वाला फाइंड आउट करो, ठीक है। सेकंड में क्या दिया, मैक्सी मैक्स दिया हुआ है तो पहले आप क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे फिर उसमें से मैक्सिमम निकालोगे, समझे। मिनिमम वैल्यू निकाला तो मिनिमम में सबसे मैक्सिमम नंबर क्या था वो निकाला, फिर सेकेंड में क्या था, मैक्सी मैक्स, पहले मैक्सिमम निकालो फिर उसमें से मैक्सिमम निकालो, राइट। ऐसा करना है आपको, जब हम सम सॉल्व करेंगे ना तो मैं आपको उसको ज़्यादा डीप में बताऊंगा, तब जाके आपको उसको समझ में आएगा। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को माइंड में रखो कि किस तरीके से करना है, पहले क्या कैलकुलेट करना है, पहले क्या निकालना है वो याद रखो, उसके बेस पे ही हम इसके एक्सरसाइज को समझ सकते हैं।
लाप्लास दिया हुआ है, लाप्लास में क्या करना है आपको, जो भी आपके कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं पहले एवरेज निकालो। क्या करोगे, पहले एवरेज, एवरेज निकालने के बाद एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, एवरेज निकालते कैसे वो समझा देता हूँ। पहले मैं एवरेज निकालना है आपको, जैसे सपोज करो कि आपको कोर्स ऑफ एक्शन दिया हुआ है, तो ए वन कोर्स ऑफ एक्शन, एक्शन मतलब ए, ए वन, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री इस तरीके से दिया हुआ है, तो आपको इसको प्लस कर देना है, ठीक है, तो उसको प्लस करके डिवाइड बाई थ्री कर दो। आगे एवरेज, यहाँ पे जितना भी होगा उतना उसको प्लस करो, डिवाइड बाई थ्री करो, जितना भी होगा उसको प्लस करो, डिवाइड बाई थ्री कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया एवरेज का फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको किस तरीके से एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब होता है मीन, ठीक है, आपने जो कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में किया होगा, ठीक है, मीन, मीन का मतलब भी होता है एवरेज, तो सेम इसी तरीके से भी मीन निकालते हैं, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि हम लेक्चर्स में देखने वाले हैं। ओके, पहले क्या करना है, लाप्लास में एवरेज निकालना है, बहुत ही सिंपल है, पहले एवरेज निकालो, एवरेज निकल गया, फिर उसमें से एवरेज में से भी आप क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या है, समझ, एवरेज निकल गया, फिर उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो देखो, फिर आएगा मिनी मीन। मिनी मीन में क्या करना है, पहले तो मिनिमम निकालना है, ठीक है, ये वाला सेकेंड पार्ट, पहले मिनिमम निकालो, फिर उसमें से भी मिनिमम निकालो, तो उसको बोलेंगे मिनी मीन क्राइटेरिया। और मैं आपको बता दूं कि जो मिनी मीन क्राइटेरिया है ये आपके सिलेबस से ओमिट किया हुआ है, निकाल दिया गया है, आपको मिनी मीन वाला क्राइटेरिया करने ही नहीं है, आपके किसी भी क्वेश्चंस के अंदर मिनी मीन का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, जैसे आपको बेसिकली दिया हुआ है तो यहाँ पे मैंने बता दिया हुआ है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना तो उसमें मैं ये कॉन्सेप्ट आपको पाँचों कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा। आपके जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ तीन ही कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, वो भी स्टार्टिंग के, मैक्सिमिन दिया हुआ है, मैक्सिमैक्स दिया हुआ है और लाप्लास दिया हुआ है, ठीक है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन दिए गए, और अगर इंक्लूड किया गया है तो मिनी मैक्स रिग्रेट को इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन मिनी मीन इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा, जब हम सम सॉल्व करेंगे तो हम ये पांचों टाइप के जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, पाँचों करेंगे हम, हमें समझने से मतलब, हमें समझ गया तो हम पेपर में कोई भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ रहे तो सबको सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज में आपको पूरा यही कॉन्सेप्ट दिया है, तो एक्सरसाइज में से जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बस उतने ही करवाऊंगा, उसके बेस पे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके लिए होंगे, आप उसको प्रैक्टिस करो। नहीं आएगा, एक बंच बना लो क्वेश्चन का, पांच क्वेश्चंस किया नहीं आया उसको एक टिकमा कर दो, फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं आता है टिकमा करके रखो और मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर दो कि ये एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन नहीं आ रहे, मुझे सॉल्व करके दे दो सर, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बना दूंगा ताकि आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेरीज है उसको मैं सॉल्व कर सकूं, ताकि आप अपने पेपर में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, सबसे लास्ट वन है अभी, इसमें मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है, मिनी मैक्स, फर्स्ट क्या कहना है आपको, मैक्सिमम वैल्यू निकालो। ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, ये किस में से आएगा, स्टेट ऑफ नेचर से, याद रखिए, किस में से, स्टेट ऑफ नेचर, जो आपका स्टेट ऑफ नेचर होगा, क्योंकि इसमें पे ऑफ टेबल होता है ना, पे ऑफ टेबल ऐसा होता है, देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये यहाँ पे आएगा स्टेट ऑफ नेचर और यहाँ पे एक्शन आएगा, ठीक है, हमेशा ऐसे ही होता है, ए वन ए टू और ए थ्री ऐसा लिखा देगा, और यहाँ पे एस वन एस टू एंड एस थ्री, और उसके कुछ नंबर्स दिए होंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, मैं अभी नंबर नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे नंबर दिए होंगे, तो आपको स्टेट ऑफ नेचर, यानी कि स्टेट ऑफ नेचर का कॉलम ऐसा है, ये स्टेट ऑफ नेचर है, ये स्टेट ऑफ नेचर है, ये स्टेट ऑफ नेचर है, और जो आपका हॉरिजॉन्टल गया है ना वो क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन है, राइट, समझ रहे, तो मैक्सिमम वैल्यू किस में से निकालना है, स्टेट ऑफ नेचर से निकालना है, किसे, स्टेट ऑफ नेचर से, अभी स्टेट ऑफ नेचर से आ जाएगा ना तो उसको फिर माइनस कर देना है, ठीक है, माइनस कर देना है, माइनस करने को क्या बोलेंगे हम, रिग्रेट करना, ठीक है, मतलब आपको पहले इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाला, फिर उसमें से क्या करना है, जितने भी बड़े बड़े नंबर्स आए ना उसमें से माइनस कर देना, रो वाइज माइनस कर देना आपको, तो रो वाइज माइनस हो जाएगा, तो मतलब उसको रिग्रेट हो गया, तो रिग्रेट होने के बाद फिर उसमें से क्या करोगे आप, मिनिमम वैल्यू लोगे, मिनिमम, तभी तो उसका नाम है मिनी मैक्स, पहला मैक्सिमम लिया फिर उसको रिग्रेट किया, रिग्रेट कैसे किया, बड़ा नंबर आया उसको फिर हर एक रो से माइनस कर दिया, मतलब हर एक रो का अपना अपना एक बड़ा नंबर आएगा, ठीक है, बिगर नंबर आएगा, उसमें से आपको माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद एक जो वैल्यूज आएगी उसका टेबल बनेगा, जिसको बोलेंगे रिग्रेट टेबल, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, रिग्रेट टेबल, रिग्रेट टेबल आएगा, उसमें से देखना है कि सबसे मिनिमम, सबसे छोटा नंबर कौन सा है,
वो ले लेना है आपको, ठीक है। वो हो जाएगा आपका मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया, क्लियर यहाँ तक। तो ये हो गया आपका अंडर अनसर्टेनिटी के बेसिस पे। अब जो इसमें थर्ड टाइप था वो अंडर रिक्स था, अंडर रिक्स का। इसके अंदर आपको सिर्फ दो ही टाइप्स है, फर्स्ट है इसमें ए और बी। तो ए है इसमें EMV, ठीक है। EMV का मतलब होता है एक्सपेक्टेड मॉनिटरिंग वैल्यूज, ठीक है। एक्सपेक्टेड मॉनिटरिंग वैल्यू के अंदर आपको सबसे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना है, सबसे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब मैं आपको हर एक डीप में बताऊंगा, क्योंकि ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप चैनल पर बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और आपका 15 मार्क्स कहीं नहीं गया फिर, क्योंकि इसमें ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, फिर इसके बाद ट्री आएगा, देखिए वो तीन पार्ट है, यानी कि 15 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। अगर ध्यान से वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो और आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट करो, राइट। और दूसरा है इसमें EOL, इसका मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। तो ये बेसिकली EMV के बेसिस पे ही बनता है, तो पहले हमें ये समझना है कि EMV किस तरीके से बनेगा, राइट। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है ये हम पूरे सिलेबस के अंदर सीखेंगे। और इसके अंदर जो मैंने आपको नेक्स्ट एक टाइप बताया वो है आपका डिसीजन ट्री, ठीक है। जो डिसीजन ट्री है ये बेसिकली बेस है ये दोनों कॉन्सेप्ट का, EMV और EOL का। लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब देखते हैं। तो चलिए पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, ताकि ये आपके बुक में रहेगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इसके एक्सरसाइज।